Hi guys, welcome back to my channel and I hope you all are doing good and great. So let's start today's video. और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बोलूंगी कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना. तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं. और आज की वीडियो में मैं रिव्यू कर रही हूँ दिस शॉर्ट कुर्ती विच इज फ्रॉम सादा. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं ये बोलूंगी ये जो वीडियो है ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है. सादा जो ब्रांड है इसके बारे में मुझे भी मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम से ही पता चला था. काफी सारी इनकी एड्स वगैरह आ रही थी तो मैंने इनकी वेबसाइट चेकआउट करी तो अच्छी लगी मुझे, काफी इम्प्रेसिव लगी. तो मैंने अपने लिए ये एक शॉर्ट कुर्ती ऑर्डर करी है एंड मैंने दो इसके अलावा पैंट्स ऑर्डर करी हैं. आज की वीडियो में मैं ये शॉर्ट कुर्ती का रिव्यू कर रही हूँ. पैंट्स का रिव्यू डेफिनेटली मैं अपनी अपकमिंग वीडियोज में करूंगी. अब बात करते हैं अबाउट द प्राइस ऑफ दिस शॉर्ट कुर्ती. इस कुर्ती का प्राइस है 799 रुपीज. इफ आई टॉक अबाउट डिलीवरी वगैरह कितने दिन में आ जाती है, मुझे मेरा प्रोडक्ट 3 से 4 दिन में मिल गया था और काफी ज्यादा अच्छी इनकी पैकेजिंग होती है. इनका जो प्रोडक्ट है एक अच्छी सी पोटली में आता है विद दैट थैंक यू नोट. एंड मैंने इनका रिटर्न अभी तक चेक नहीं किया क्योंकि मुझे इनके प्रोडक्ट्स अच्छे लगे इसलिए मैंने रिटर्न नहीं करवाए. तो मुझे नहीं पता कि इनका रिटर्न का क्या सीन चलता है, ये कितने दिन में पैसे रिफंड कर देते हैं. उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि मैंने अभी तक कोई रिटर्न नहीं करवाया. बाकी इनकी वेबसाइट पे मेंशन है कि आई थिंक विद इन अ 7 डेज में ये रिटर्न ले लेते हैं और रिफंड कर देते हैं. आप लोग एक बार रिफंड और रिटर्न की पॉलिसी प्लीज पढ़ लेना. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द साइज और द मेजरमेंट ऑफ दिस कुर्ती. मेरा जो मेजरमेंट है, मुझे जो कपड़े फिट आते हैं वो मीडियम आते हैं और सादा से ये जो कुर्ती मैंने ऑर्डर करी है ये भी मैंने मीडियम ही करी थी एंड आई जस्ट लव द फिटिंग. काफी अच्छे से जो ये मीडियम है मुझे फिट आ गया. शॉर्ट कुर्ती ना मुझे हल्की हल्की लूज ही अच्छी लगती है और ये वैसे ही बिल्कुल है, हल्की हल्की लूज है, कहीं से कोई टाइट नहीं है. ऐसा नहीं कि मुझे आर्म से टाइट हो रही है या मुझे चेस्ट से टाइट हो रही है, बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्ट फिटिंग आई मीडियम की. तो मुझे मेजरमेंट्स के एंगल से ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा. Now I'm going to talk about the length of this kurti. इस कुर्ती की जो लेंथ है वो है वेस्ट से नीचे, which is really good part. And if I talk about the description, more description of this product, तो ये जो product है ये 3/4 है बाजुओं में एंड इसका जो नेक है वो कॉलर नेक है. और इस प्रोडक्ट को मैं एक बारी धो भी चुकी हूँ. मैंने जो कलर ऑर्डर किया था वो था लाइलेक और धोने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं है कि इस कलर का रंग निकल गया या ये कुर्ता यू नो फेड हो गया या इसका ग्रेस चला गया. ये अभी भी उसी लाइलेक कलर में ही है जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हो. ये कलर मैंने ऑर्डर किया था, एक बारी धो लिया, आयरन करा लिया, तब भी ये कलर बिल्कुल वैसा का वैसा ही है. नाउ I'm going to talk about the quality of the material which is used in this product. अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ अबाउट द क्वालिटी ऑफ दिस फैब्रिक. इसका फैब्रिक की सबसे पहले मैं बताऊंगी प्लस जो है. प्लस ये है कि इसका जो फैब्रिक है वो काफी ज्यादा ब्रीदेबल है, पहना जाता है. गर्मियों में इसका जो कपड़ा है वो बिल्कुल भी चुभने वाला नहीं है, ब्रीदेबल फैब्रिक है. एंड जैसे कि दिल्ली में गर्मी चल रही है, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, 8:30 बजे ऑफिस के लिए जाना पड़ता है, मैं इस फैब्रिक को पहनती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है. बिल्कुल भी ये फैब्रिक धूप में नहीं चुभता. और इवन ना मुझे ऐसा लगा ये फैब्रिक बहुत ज्यादा लाइट वेटेड भी है क्योंकि जब इसको पहन के रखती हूँ तो ऐसा लगता है कि लिटरली कुछ पहन ही नहीं रखा. काफी ज्यादा इसका ब्रीदेबल और अच्छा इसका फैब्रिक है, लाइट वेटेड फैब्रिक है, गर्मियों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है. बट इस फैब्रिक में मुझे कुछ ऐसी चीजें जो मुझे अच्छी नहीं लगी जो कि मैंने ऑब्जर्व करी. इसका जो फैब्रिक है वो है कुछ लिनन का फैब्रिक है. जो लिनन का फैब्रिक में क्या होता है मुझे नहीं पता था इसको ऑर्डर करने से पहले. मैंने ये ऑब्जर्व किया, देन मैंने कुछ रिसर्च वगैरह करा, पढ़ा मैंने कि लिनन का फैब्रिक क्या होता है. लिनन के फैब्रिक में क्या होता है कि रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं. ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अगर मैं अपनी बाजू अगर मैं ऐसे भी कर लेती हूँ या मैं सीट पे बैठ भी जाती हूँ या मैंने अपना लैपटॉप बैग कैरी कर रखा है तो क्या होता है वहां रिंकल्स आ जाते हैं विच इज नॉट गुड. लाइक अगर मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ और मैं मेट्रो में बैठ गई या मैंने अपनी बाजुओं को मैंने ऐसे कर लिया तो वहां रिंकल्स आ जाएंगे विच इज नॉट गुड जब मैं इंटरव्यू देने जाऊंगी. क्योंकि इंटरव्यू का एक प्राइम रूल होता है कि योर
क्लोथ शुड बी आयरन, तब वहां पे ये कुर्ता अच्छा नहीं लगने वाला क्योंकि इसमें काफी ज्यादा जल्दी रिंकल्स आ जाते हैं, नंबर वन। देन नंबर टू क्या होता है, अब इतनी गर्मी है, स्वेटिंग तो ऑब्वियसली बात है होती ही होती है, तो जब हमें स्वेटिंग भी होती है ना, इसमें क्या होता है, इसमें स्वेटिंग का ना दाग आ जाता है, विच इज आई थिंक रियली डिसअपॉइंटिंग। मैं जब इसे फर्स्ट टाइम पहना था और मैं अपने ऑफिस गई थी, इतनी ज्यादा गर्मी होती है तो स्वेटिंग का ना काफी ज्यादा इसने पूरा एरिया कवर कर लिया था, काफी ज्यादा स्वेटिंग हो गई थी। मुझे तो स्वेटिंग होती भी एनीवे बहुत ज्यादा है, बट काफी ज्यादा इसका स्वेटिंग का जो साइड से आ रहा था वो काफी ज्यादा आ रहा था, विच इज आई थिंक डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। मेरे लिए ये दो फैक्टर हैं कि मैं इनकी और कोई शॉर्ट कुर्ती में या ऐसे किसी लिलिन फैब्रिक में मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने इसे इन्वेस्ट ही करा था कि मुझे ऑफिस पहन के जाना है। एंड इन माय ओपिनियन, चलो एक वो होता है ना कि आप मतलब ऑफिस में 9 बजे से बैठे हुए हो, 4:30 बजे तक कपड़ों में रिंकल्स आ गए, आई थिंक विच इज एक्सेप्टेबल। बट वॉट नॉट एक्सेप्टेबल इज कि जो स्वेटिंग का जो स्पॉट्स हैं वो विजिबल हो। तो ये है मेरा रिव्यू अबाउट द फैब्रिक ऑफ दिस प्रोडक्ट। और इसमें मैंने एक चीज और नोट करी है कि मैंने इसे आयरन कराने के लिए दिया था और वो आयरन वाला भी ढंग से आयरन नहीं कर पाया, इसे काफी अच्छे प्रेस तरीके से हमें आयरन करना पड़ेगा। मतलब जब मुझे उसने वापस दी तो मैंने देखा इसमें ऑलरेडी रिंकल्स है, विच इज रियली डिसअपॉइंटिंग। तो मैंने इसे अच्छे से घर में पानी वानी डाल के अच्छे से आयरन करी, जो कि मुझे लगता है कि सुबह इतना टाइम नहीं होता कि मैं कर पाऊं, इसको मुझे ऑलरेडी एक दिन पहले आयरन करके रखना पड़ेगा। ये तो मुझे इस प्रोडक्ट में डिसएडवांटेज लगी, और जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीइंग अ कॉर्पोरेट गर्ल मैं हमेशा से कपड़े प्रेफर करती हूँ जो आयरन हो, मैं बिना आयरन के कपड़े मैं नहीं पहनती। चलो ठीक है, मतलब ऑफिस में तो चला फिर भी चल जाता है, बट जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तब ये बिल्कुल भी नॉन एक्सेप्टेबल होता है। देन आप इसे एज अ कैजुअली भी आप इसे पहन सकते हो, कैजुअली ये पहना हुआ अच्छा लगेगा, फ्रेंड्स वगैरह के साथ जा रहे हो, एक सिंपल सा आप लोगों को लुक करना है तो आप इस कुर्ते को पहन सकते हो, पहना हुआ अच्छा लगेगा। एनीवे जब हम फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं होती कि हमारे कपड़े आयरन है या नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ हम जाते हैं सिर्फ इंजॉय करने, तब आप ये पहन सकते हो। बट इन माय ओपिनियन अगर आप लोग जॉब वगैरह करते हो, स्पेशली जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तब आप इस फैब्रिक को वेयर नहीं कर सकते। बाकी ऑफिस में वेयर कर सकते हो या नॉर्मली किसी पार्टी वगैरह में, या मतलब नॉर्मल सी किसी पार्टी में जाना है या यू नो किसी फ्रेंड्स वगैरह से मिलने जाना है तो आप इस कुर्ते को पहन सकते हो। कुर्ती के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है, एट द एंड डिसीजन आप लोगों का है कि आप लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। मैंने आपको इसके कुर्ती के पॉजिटिव साइड्स भी बता दिए हैं, नेगेटिव साइड्स भी बता दिए हैं। अगर आप लोग दोनों को वे कर लो, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप इस कुर्ती में इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर नहीं अच्छा लगता तो आप मत इन्वेस्ट करना। बट आप लोगों को मेरे चैनल में जरूर इन्वेस्ट कर देना चाहिए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज लिली साइनिंग ऑफ, सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।